नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th हाउस के चंद्रमा यानी कि आठवें घर के चंद्रमा के बारे में। आठवें घर में अगर आपका चंद्रमा है तो उसके क्या उपाय किया जाए और कैसे इसके प्रेडिक्ट किया जाए और क्या क्या हमें परिणाम हो सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है फलादेश करना। जब आप फलादेश कर लेते हो तो आप उपायों के बहुत करीब पहुंच जाते हो और उपाय करने से हमें लाभ भी होता है। नहीं तो क्या है, हम उलझुल के परिणामों में फंसे रहते हैं। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति का जो दशा अंतरदशा है वो अलग अलग होती है। तो कई बार कुछ अंतरदशाएँ जब तक को ज़्यादा परेशान करती है, कुछ अंतरदशाएँ कम परेशान करती है। तो जब ज़्यादा परेशान करती है तो हम सोचते हैं कि भाई सारी की सारी जो घटनाएँ हैं वो सारी की सारी घटनाएँ 8th हाउस के चंद्रमा के द्वारा आ रही होगी। तो हमें यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है इसका फलादेश करना। तो आइए हम इस कुंडली के माध्यम से सबसे पहले फलादेश करते हैं, यानी कि पहले उसको फलादेश को सीखते हैं और उसके बाद क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उनको देखते हैं और उसके बाद इसके उपाय को देखते हैं। तो तीनों चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। देखिए, ये आपके सामने एक जन्म कुंडली है और इस जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है वो छठे घर का कारक है और आपके यहाँ पर बैठा है आठवें घर में कन्या राशि में, यानी कि बुध की राशि है और बुध लाभ घर में बैठा है। सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है, आठवें घर में है और यहाँ पे ये छठे घर का मालिक है, यानी कि इस कुंडली में रोग, ऋण और शत्रुओं का मालिक है। तो एक तो यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है और जन्म कुंडली का एक अशुभ ग्रह है शनि के साथ इसकी शत्रुता है, एक तो ये माइनस पॉइंट हो गया है। यानी कि चंद्रमा इस कुंडली के लिए वैसे भी अशुभ है और फिर वो आठवें घर में चला गया और शत्रु राशि में चला गया, तो फिर ज़्यादा अशुभ हो गया है। तो ये हमें एक देखना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये देखते हैं कि चंद्रमा की डिग्री कितनी है, 3 डिग्री का, इसका मतलब वो ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन आप यहाँ पे डिग्रियों में मत जाइए, आप यहाँ पे क्या करिए कि ये देखिए कि चंद्रमा जो है वो 3 डिग्री का कन्या राशि में, तो किसके नक्षत्र में। यहाँ पर चंद्रमा जो है वो यहाँ पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, यानी कि ये सूर्य का नक्षत्र है। अब सूर्य कहाँ बैठा है वो डिपेंड करता है। सूर्य भी जन्म कुंडली का मार्केस है और वो आपका 12वें घर में बैठा है। तो चंद्रमा ने क्या योग बनाया है, चंद्रमा छठे घर का मालिक 8वें घर में बैठा है और 12वें घर में इसका नक्षत्र स्वामी आ रहा है जो जन्म कुंडली का मार्केस है। तो चंद्रमा इस कुंडली में एक अशुभ ग्रह बन गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 8वें घर में चंद्रमा बैठा है तो आप ये देखिए कि पहले वो चंद्रमा की भूमिका क्या है। क्या वो चंद्रमा जन्म कुंडली का एक योग कारक ग्रह है, तो एक लाभ का योग बनता है। अगर वो योग कारक ग्रह है और फिर वो 8वें घर में बैठा है और वो कहीं ना कहीं अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में है तो फिर वो गड़बड़ है। यहाँ पे मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पे बैठा था और कहीं ना कहीं ये अगर शुक्र के नक्षत्र में होता, जैसे कि यहाँ पे तो शुक्र का नक्षत्र नहीं आता है, मान लीजिए किसी राशि में आए तो शुक्र के नक्षत्र में होता और शुक्र उसको देख रहा है और उच्च का है, तो एक बहुत बड़ा लाभ का योग बन जाता है। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पे देखना चाहिए। तो आपने ये देखा कि भाई चंद्रमा यहाँ पे जो है वो 8वें घर में है, छठे घर का मालिक है और 12वें घर में उसका नक्षत्र स्वामी आ रहा है। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये देखिए कि उसके ऊपर दृष्टि किसकी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो केतु की 7वीं दृष्टि है जिसको अगर नहीं लेते हैं, शुक्र की दृष्टि है यहाँ पे 7वीं। अब शुक्र जन्म कुंडली का जो है भाग्य का स्वामी है, शुक्र यहाँ पे देख रहा है तो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट जरूर है। लेकिन यहाँ पे जो है मंगल, यहाँ पे लगन में शनि के साथ बैठा हुआ मंगल जो है वो आप अपनी 8वीं दृष्टि जिसे हम दाहक दृष्टि कहते हैं, यानी कि 8th दृष्टि से देख रहा है, तो वो अशुभ होती है। तो इसका कारण क्या है कि जो शुक्र की जो अच्छी दृष्टि आ रही है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन जब शुक्र की दशाएं अंतर दशाएं चलेगी उसमें जब चंद्रमा का प्रतिनिधित्व आएगा तो वो अच्छा आएगा। लेकिन जब मंगल के दशाओं में अंतर दशाओं में जब चंद्रमा आएगा तो वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थितियाँ लेके आएगा। तो एक मंगल की दृष्टि है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कोई दूसरा ग्रह जिसकी दृष्टि नहीं है। अब यहाँ पे राहु भी इसके साथ बैठा है, लेकिन राहु आपको यहाँ पे देखोगे तो चंद्रमा 3 डिग्री का है, राहु 26 डिग्री का, दोनों के अंतराल जो है डिग्री का बहुत ज़्यादा है। जिसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं ये युति जो है सिर्फ एक युति है, एक कोई दोष या योग नहीं बना है। इसका मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि ये कोई चंद्र ग्रहण नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक युति है जिससे हम कहेंगे कि इसका कोई हमें दोष नहीं लगेगा। लेकिन जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। अब अगर काल सर्प दोष जैसा बड़ा दोष अगर उसका निर्माण हो जाता है तो कुंडली के छोटे छोटे दोष भी एक बहुत बड़ा पीड़ा देने वाला पॉइंट बना देती है। तो यानी कि यहाँ पे चंद्रमा 8वें घर के अंदर बैठा हुआ एक बड़ा पीड़ा कारक ग्रह बनता है, यानी कि जातक को मानसिक तनाव, और लग्न में बैठा हुआ मंगल, मंगल यहाँ पे तीसरा घर पराक्रम और छोटी मोटी परेशानियों का है और 10वें घर का मालिक है जो स्टेटस को संबंधित है, यानी कि जैसे उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, बार बार उसको जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, बार बार उसको परेशान किया जा रहा है। तो ये इसको हमेशा रहेगा कि यार मेरी वैल्यू क्यों नहीं हो रही है। तो ये जो परेशानी है वो कहाँ से आती है, इस चंद्र मंगल के कारण। तो मंगल की जो दाहक दृष्टि है, क्योंकि मंगल की 8th दृष्टि बहुत बुरी होती है, तो यानी कि हम ये कहेंगे कि जातक के ऊपर जो चंद्रमा का एक दोष बना हुआ है वो काफ़ी बुरा है और 8वें घर का यहाँ पे चंद्रमा इस कुंडली के माध्यम से बहुत बुरा है, क्योंकि यहाँ पे
छः, आठ और बारह तीनों ही त्रिक भाव का मिलन हो गया है। तो इस जातक के लिए तनाव, भयंकर तनाव, हर बात पे जो है वो इसका अपमान होना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, रातों को नींद नहीं आना, डरावने सपने आना, चिंताओं से भरा हुआ समय रहना, यानी कि जातक के साथ इस तरह की घटनाएं होगी। दूसरा क्या है, सेक्सुअल प्लेजर कम मिले, पति दूर रहे और पति पत्नी में तकरार रहे, सास से भयंकर मतलब अड़चने रहे, यानी कि इस जातक को भयंकर अड़चनों का योग बनता है। तो आप अगर आपकी जन्म कुंडली में आठवें घर में बैठा है चंद्रमा, तो आप क्या समझें कि यहाँ पे अगर अकेला है तो केमद्रुम दोष बनेगा, अगर इसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, जैसे कि इसके पहले सप्तम घर में और इसके बाद जो नवम घर में कोई ग्रह नहीं है, तो ये एक केमद्रुम दोष है जिसके कारण हमें भयंकर अड़चने आ सकती है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा हमें मानसिक, भयंकर मानसिक तनाव देता है और जो हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसको जो है वो काफ़ी हद तक दिखाता है, साथ में एक डरपोक बनाता है, डर दिखाता है और हमारे को सास ससुर यानी कि ससुराल पक्ष से भी अड़चनें और भयंकर दिक्कतें दिखाता है। साथ में हमारे साथ जो हैं वो ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, लाभ के क्षेत्र में यानी कि जैसे हम कोई अचानक लाभ होने वाला है तो उसमें हमारे 90% काम बन जाता है और फिर वो काम जो है अटक जाता है। ये सारी की सारी जो परेशानियाँ हैं, अड़चने हैं, वो आठवें घर के चंद्रमा के द्वारा आती है। तो इसका क्या उपाय किया जाए, कैसे इसे बचा जाए, इसके उपाय देखिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव की पूजा करें। देखिए भगवान शिव की जटाओं में चंद्रमा बैठा है, तो अगर आप शिव जी के ऊपर कच्चा दूध, गंगा जल या पंचामृत या फिर घी या शहद, इनको आप चढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं आठवां घर विष माना गया, क्योंकि वहाँ पे काल पुरुष की जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि आती है जहाँ पे गंदा पानी और गंदगी दिखाई गई है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो साफ पानी है, यानी कि ये पीने वाला नदियों का पानी है। तो यानी कि और आठवां घर क्या है कि गटर वाला पानी है, और बारहवां घर है समुद्र वाला पानी, यानी जो ये चारों राशियाँ, चार, आठ और बारह जल तत्व राशियाँ, इन तीनों में ये डिफरेंस है। तो चंद्रमा एक अच्छा पानी अगर बुरे पानी के साथ आता है तो तकलीफ देता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि भगवान शिव को यानी शिवलिंग के ऊपर अगर हम कच्चा दूध, शहद और आपके जो हैं वो गंगा जल या घी, इन सब चीज़ों को अगर हम चढ़ाते हैं और चावल का दान करते हैं तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, और ये सोमवार के दिन करें या पूर्णमासी या फिर जो हैं वो आपके जो हैं एकादशी, इनके दिनों में करने में भी हमें लाभ रहता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शिव कवच या फिर चंद्रमा का आता है चंद्राष्ट विसंती नामक एक स्त्रोत्र आता है, उसका जप करने से हमें लाभ होता है, तांडव स्त्रोत्र को पढ़ने से भी लाभ होता है, और चंद्रमा का जो संपूर्ण बीज मंत्र हैं उनको करने पे भी हमें लाभ होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं कि अगर आठवें घर में चंद्रमा है तो मोती रत्न पहनते हैं, अगर आपको मोती रत्न पहनना है तो आप सबसे छोटी वाली उंगली में सोने की अंगूठी में पहने, ये लाभ होता है एक तो आपको। अगर किसी जातक को या दंपति को, जैसे कोई लड़की है उसकी या लड़का है उसका विवाह हो चुका है, संतान के योग नहीं बन रहे हैं और कहीं ना कहीं आठवें घर में चंद्रमा बैठा है, तो रात को सोने से पहले एक जैसे सुई होती है बड़ी सुई, इतने साइज़ की बड़ी सुई, सोने की सुई लेके आइए और उसको गर्म करिए और उसको रात को सोने से पहले दूध के अंदर उसको जो है डुबाए, उसके बाद वो दूध पिए, आपको लाभ होगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे अगर आठवें घर के अंदर चंद्रमा है तो। या फिर अपनी माता से गंगा जल या चावल इनको लेके अपने घर की पूर्व दिशा में रख सकते हैं, या पवित्र स्थान जहाँ पे भी है जैसे मंदिर है घर का वहाँ पे भी रख सकते हैं चांदी की डब्बी में, उससे भी हमें बहुत ही अधिक लाभ होता है। ये सारे उपाय करने से, या फिर माता की जो पास जो चांदी पड़ी है, जैसे मान लीजिए माता जी की कोई पायल है वो ख़राब हो चुकी है, जो मतलब उसके वो ख़राब हुई माता के पास पड़ी हुई चांदी, उसको लीजिए और उसकी चांदी का एक कड़ा बना के पहनने से भी हमें लाभ होता है। दूसरा कि जल्दी से रिजल्ट देने की कोशिश मत करें, यानी कि जल्दी हड़बड़ाहट ना करें, तनावपूर्ण स्थिति में आपा ना खोए, और गायत्री मंत्र का रोज एक माला का जप करें, सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा का यही सबसे बड़ा दोष है। सफ़ेद पुष्प जो है भगवान शिव को अर्पण करें, उससे भी लाभ होता है, माता सरस्वती की पूजा करने से भी हमें लाभ होता है। तो ये सारे उपाय अगर आप करते हो तो आप ये माने कि आठवें घर के चंद्रमा से आप बच सकते हो, चाहे वो नीच का हो या किसी भी राशि में हो, या फिर लगातार आठ सोमवार जो हैं वो मंदिर में किसी पंडित जी को, या अगर कोई लेडीज है जैसे पंडिताइन है या कोई ज़रूरतमंद लड़की भी है, तो उसको भी आप जो है वो आठ लगातार आठ सोमवार दूध
यानी कि 800 ग्राम दूध भी दान कर सकते हैं, वो भी आपको लाभ के योग बनेंगे। यानी कि या फिर किसी भी मंदिर में चांदी के बर्तन में दूध ले जाके पंडित जी को दे सकते हैं, फिर वो चांदी का बर्तन वापस ले आइए। ये नहीं कि चांदी का बर्तन उनको ही दे देना है, वो तो नुकसान हो जाएगा आपको। तो इस तरह का उपाय करने से भी आपको लाभ होता है। तो ये सारे उपाय करिए, और इस तरह की परेशानी आती है तो आप ये अगर उपाय करते हो तो आपको लाभ होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।